हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसा रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसे इस्तेमाल करते ही आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, डैमेज हो चुके बालों को वापस रिपेयर कर सकते हैं, डैंड्रफ को तुरंत से खत्म कर सकते हैं, जो लीक के प्रॉब्लम को भी आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे जितने भी ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, बालों को झड़ने से आप रोक सकते हैं, गंजे सिर पर नए नए बालों को उगा सकते हैं। बालों की लंबाई जिनकी नहीं बढ़ती है उन लोगों के लिए ये रामबाण है। इसे यूज करते ही आप ये देखेंगे कि बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, इन सारी ही चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट फ्रेंड्स, आप ये यकीन रखिए कि ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना, इसे आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, एंड जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको लेना है कोई भी लोहे का बर्तन। मैंने यहाँ पर लोहे का तवा लिया है। लोहे का तवा सबके घरों में अवेलेबल होता है, लोहे का कड़ाही तो नहीं होता है बट तवा जरूर अवेलेबल होता है। तो आप भी लोहे का तवा ले लीजिए एंड इस पर हमें डालना है नीम लीफ पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, नीम लीफ पाउडर कोई भी शॉपिंग ऐप से आप इसे परचेज कर सकते हैं। एंड आपके लिए बेस्ट कौन सा है ये मैं आपको बता देती हूँ। नेचर श्योर का नीम लीफ पाउडर सबसे बेस्ट होता है। मैं हमेशा से यही नीम लीफ पाउडर यूज करती हूँ एंड ये मेरे लिए ट्रस्टेड ब्रांड है। मैंने इसे काफी टाइम से यूज कर रखा है। इस ब्रांड के काफी सारे हेयर ऑयल भी मैंने यूज कर रखा है एंड उसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया है। आप चाहें तो उन सारे वीडियोज को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नीम लीफ पाउडर है बहुत ही प्योर है, इस पर किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है एंड इसे आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। बालों के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, अपने फेस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 साल। एंड फ्रेंड्स, इस पर किसी तरह का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, कोई कलर नहीं एड किया गया है, केमिकल फ्री है, नॉन जीएमओ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल होगा। आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एमआरपी के बारे में तो इसका एमआरपी 280 रुपीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बट फ्रेंड्स, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो कुछ परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसके अंदर एक रोज वाटर बॉटल भी है 50 ml का एंड ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं बट मेरे लिए जो बेस्ट है वो मैं आपको इस रेमेडी में बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक रोज वाटर बॉटल भी मिलेगा, साथ ही साथ एक मेजरमेंट कप भी आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे चीज आपको 280 रुपीज से भी कम प्राइस पर मिल जाते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ही बेस्ट है, आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। परचेस अगर आपको करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लोहे के कड़ाही में या फिर लोहे के तवा में नीम लीफ पाउडर डालने के बाद इस पर हम डालेंगे नारियल का तेल। फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को नारियल का तेल सुटेबल नहीं होता है, वैसे लोग यहाँ पर जैतून का तेल यूज कर सकते हैं या फिर बादाम का तेल भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बट जिन लोगों को सुटेबल होता है उनके लिए बेस्ट है नारियल का तेल, क्योंकि नारियल तेल अपने आप में ही हमारे बालों के रिपेयरिंग क्षमता को बढ़ाता है। बस आपको यहाँ पर सरसों का तेल नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सरसों का तेल अगर आप लेते हैं तो इसे आप बालों में यूज तो कर पाएंगे बट स्किन पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट है आप नारियल का तेल से इस तेल को बनाइए एंड उसके बाद इसे आप स्किन पर भी लगा सकते हैं, अपने बालों पर भी लगा सकते हैं। अब हमें इसे गैस के फ्लेम पर रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ठीक है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम इसे पकाएंगे तो इसका जितना भी गुणवत्ता है, जितना भी गुडनेस है वो सारा जल जाएगा। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि नीम लीफ पाउडर जो है वो नीचे से जले ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलाते हुए पकाने के बाद कम से कम आपको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है एंड इस तरह से आपके जो रेमेडीज आप तैयार करेंगे उस पर थोड़ा सा झाग भी बनेगा। ये जो तेल बन करके तैयार होगा इसे आप अपने स्किन पर भी यूज कर सकते हैं, जिनके भी बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, बहुत ज्यादा फुंसियां फोड़े फेस पर मौजूद होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बालों के लिए आप इसे यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इतना सा ही आपको पकाना है, बहुत ज्यादा डार्क होने तक इसे आपको नहीं पकाना है। ठीक है, कुछ ग्रीनिश बरकरार रहेगा तभी आपको बर्नर ऑफ कर देना है एंड छलनी की मदद से इस तेल को छान करके अलग कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पेस्ट के जैसा ही आपको दिखाई पड़ रहा है बट इसे आपको अच्छे से छान लेना है, छलनी की मदद से या फिर कपड़े की मदद से भी आप इसे छानेंगे तो बेस्ट होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का आपके पास तेल बन करके तैयार होगा एंड इसे आप स्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है।
इनफैक्ट आप इसे अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए, अपने पूरे बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल इन वन ऑयल आपका बन करके तैयार होगा एंड ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है मैं आपको क्या ही बताऊं फ्रेंड्स। आप जाइए इसे बनाइए एंड स्टोर कर लीजिए एंड उसके बाद यूज करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके बाल लंबे भी होंगे, साथ ही साथ रिपेयरिंग क्षमता बढ़ेगा, मतलब आपके बाल जो बीच में से टूट रहे हैं, बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, जो लीक का प्रॉब्लम है तो वो सारे ही प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। डैंड्रफ जिनके बालों में रहता है, डैंड्रफ भी खत्म हो जाएंगे। स्कैल्प पर नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे जिससे आप अपने गंजापन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑल इन वन ऑयल बनकर के तैयार होगा, जाइए इसे बनाइए एंड इस नीम लीफ पाउडर को परचेज कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।